नेक्स्ट अगेन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ गिवन एग्जांपल। जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था, अगर आप किसी भी प्लेस पर एरे एक्सप्रेशन राइट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ए ऑफ आई, देन इसका इक्विवेलेंट कन्वर्जन किस में हुआ है, इक्विवेलेंट पॉइंटर एक्सप्रेशन। तो करेस्पॉन्डिंग पॉइंटर एक्सप्रेशन क्या रहेगा इस केस में, स्टार ए प्लस आई। सिमिलरली अगर किसी प्लेस पर यूज करते हैं आई ऑफ ए का इक्विवेलेंट कन्वर्जन क्या रहेगा, जस्ट स्टार आई प्लस ए। इसे किसी भी टाइम पर ए ऑफ आई को स्टार ए प्लस आई के फॉर्म में राइट डाउन करना पॉसिबल, सिमिलरली स्टार ए प्लस आई को ए ऑफ आई के फॉर्म में भी राइट डाउन करना पॉसिबल। मीन्स एरे टू पॉइंटर और पॉइंटर टू एरे कन्वर्जन पॉसिबल है। फर्स्ट केस, इस केस में सबसे पहले एक एरे क्रिएट किया विद थ्री एलिमेंट्स। करेंटली इसे एरे के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने क्रिएट होंगे, ओनली थ्री एलिमेंट्स। नेक्स्ट वन, एरे का बेस एड्रेस में खुद से एज्यूम कर रहा है 100। नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है 102 एंड 104। इनिशियल वैल्यूज क्या है 10, 20, 30। इस कंप्लीट एरे का नेम क्या है इसके, इसमें सिंपली ए। ए इज द नेम ऑफ दिस कंप्लीट ब्लॉक। फाइनली ये कितने बाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इसके, इसमें 6 बाइट्स के ब्लॉक्स को। देन अगर इस लोकेशन का एड्रेस 100 है, देन इसका अदर नेम क्या हुआ स्टार 100। सिमिलरली इस लोकेशन का एड्रेस 102 है, देन इसका अदर नेम यूज कर सकते हैं स्टार 102 स्टार 104। क्यों, स्टार हमेशा अप्लाई किसके लिए हो, एड्रेस के लिए। और जब भी किसी एड्रेस के साथ स्टार अप्लाई करते हैं, स्टार ऑलवेज रिटर्न क्या करता है वैल्यू ऑफ दैट एड्रेस। फाइनली इस केस में स्टार 100 को आप कंसीडर करो लाइक अ वेरिएबल नेम एक्स वाई जेड। सेम स्टार 102 भी क्या लाइक अ वेरिएबल नेम, स्टार 104 भी क्या लाइक अ वेरिएबल नेम। अगर आप इसको वेरिएबल नेम यूज करो, देन आपके लिए कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होंगे। देन फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में जस्ट डिस्प्ले क्या कर रहा है वैल्यू ऑफ ए जीरो। इस केस में जस्ट मैं आउटपुट डिस्प्ले करूंगा प्रिंटएफ। प्रिंटएफ के केस में फर्स्ट प्लेस पर पास क्या हुआ ए जीरो, तो ए जीरो इंटरनली कन्वर्ट किस फॉर्म हुआ, ए जीरो के केस में ए के प्लेस पर क्या सिंपली ए एंड आई के प्लेस पर क्या जस्ट जीरो। तो इसको राइट डाउन क्या करेंगे ए जीरो। नेक्स्ट वन, इसका इक्विवेलेंट पॉइंटर कन्वर्जन क्या है स्टार ए प्लस जीरो। और ए क्या है इसके, इसमें ए इज अ नेम ऑफ दिस एरे, और सॉरी ए इज अ नेम ऑफ एरे, और ए से जस्ट रिप्रेजेंट क्या होगा एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। फर्स्ट एलिमेंट का बेस एड्रेस क्या है 100, इसलिए इस प्लेस पर रिप्लेस क्या करेंगे एज अ 100। ए के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा जस्ट एड्रेस एज 100। देन इसमें इंक्रीमेंट कितने से कराएंगे जीरो से, इसका इक्विवेलेंट मीनिंग क्या हुआ स्टार 100। स्टार 100 के प्लेस पर में से स्टार ऑपरेटर रिटर्न क्या करेगा वैल्यू ऑफ 100 एड्रेस। 100 एड्रेस में वैल्यू का फंड हुआ 10, तो फाइनली इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ 10। तो फर्स्ट केस में डिस्प्ले क्या हो जाएगा सिंपली 10। नेक्स्ट वन, सेकेंड एक्सप्रेशन राइट डाउन किया स्टार ए प्लस वन, इसको भी मैं जस्ट सॉल्व कर रहा हूँ। देन इस प्लेस पर जस्ट वैल्यू का रिप्लेस हुआ, देन अगेन जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के अकॉर्डिंग स्टार ए के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे एरे के फर्स्ट एलिमेंट का बेस एड्रेस विच इज 100 प्लस 1। 100 क्या 2 बाइट्स का एड्रेस, तो इसलिए इंक्रीमेंट भी कितने से होगा इस केस में 2 से। तो फाइनली इस केस में रिजल्ट क्या आएगा 102। स्टार जब 102 के लिए अप्लाई करो, तो स्टार 102 से क्या मिलेगा इस केस में वैल्यू ऑफ लोकेशन स्टार 102। स्टार 102 में करेंटली वैल्यू का स्टोर है 20, इसलिए सेकेंड केस में जस्ट रिप्लेस क्या हो जाएगा 20। सेम एज थर्ड केस, टू ऑफ ए इट इज ऑल्सो वैलिड सिंटेक्स फॉर एरे, इसका जस्ट कन्वर्जन क्या रहेगा स्टार 2 प्लस ए। देन ए के प्लेस पर अगेन रिप्लेस क्या करेंगे जस्ट 100। 100 में 2 से इंक्रीमेंट कराओ, देन इंक्रीमेंट कितने से होगा 4 से। फाइनली इसका मीनिंग क्या हुआ स्टार 104, और इधर वैल्यू ऑफ स्टार 104 वैल्यू इज 30। तो थर्ड केस में फाइनली रिप्लेस क्या हो जाएगा 30। फाइनली फर्स्ट प्रिंट ऐप के थ्रू मैसेज क्या प्रिंट हो रहा 10 स्पेस 20 स्पेस 30, क्लियर। नेक्स्ट, मैं आगे मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, इससे जस्ट पहले आप इसको कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट वन, इन सेकेंड केस में जस्ट परफॉर्म क्या किया असाइनमेंट ए ऑफ 0 = 1। तो जस्ट ये एक्सप्रेशन जब मेमोरी में सॉल्व होगा, तो इसका इक्विवेलेंट मीन सबसे पहले ए ऑफ 0 के केस में इसका इक्विवेलेंट सॉल्यूशन क्या रहेगा लाइक दैट। सबसे मीन से एरे डायरेक्टली साइन होगा, पहले पॉइंटर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, सबसे पहले पॉइंटर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इसका इक्विवेलेंट पॉइंटर कन्वर्जन क्या रहेगा स्टार ए प्लस 0 = 1। देन ए के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे 100, और 100 प्लस 1 क्या 100 प्लस 0 क्या हो जाएगा इस केस में इट इज ऑल्सो रिमेन्स 100।
देन फाइनली असाइनमेंट किसमें हो रहा है, स्टार 100 में असाइन क्या हो जाए 1, ये जिस लोकेशन का नेम स्टार 100 है उस लोकेशन में क्या असाइन हो रहा है, जस्ट 1, स्टार 100 मींस दैट प्लेस, तो 10 रिप्लेस किससे हो जाएगा, जस्ट 1 से। सेकंड केस, सेकंड केस क्या, अगेन 1 ऑफ ए इक्वल्स टू 2, जस्ट मैंने ये एग्जांपल प्रोवाइड किया जस्ट प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। देन अगेन इसका कन्वर्जन क्या रहेगा, सबसे पहले स्टार I के प्लेस पर क्या रहेगा 1 और A के प्लेस पर क्या रहेगा A इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट वन अगेन 1 प्लस A के प्लेस पर क्या रहेगा 100 इक्वल्स टू 2, देन वो इंक्रीमेंट होगा तो इंक्रीमेंट कितने से होगा 2 से, रिजल्ट क्या है स्टार 102 इक्वल्स टू 2। तो फाइनली 2 उस प्लेस पर आसान होगा जिसका नेम स्टार 102, इसलिए मैंने इस केस में नेम साइज A0 A1 A2 प्रोवाइड ना करके सिंपली प्रोवाइड किया कि स्टार 100 स्टार 102 स्टार 104, जिससे आप लिए ईजिली सॉल्व करना पॉसिबल हो। तो फाइनली इस प्लेस पर आसान क्या हो जाएगा 2। नाउ 20 इज रिप्लेस्ड बाई 2, सेम एज इन थर्ड केस, थर्ड केस में जस्ट प्रोवाइड क्या किया स्टार A प्लस 2 इक्वल्स टू 3, देन स्टार ए के प्लेस पर क्या जाएगा 100, इंक्रीमेंट कितने से करा है अगेन 2 से, तो इंक्रीमेंट कितने से होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 4। फाइनली रिजल्ट क्या आएगा स्टार 104 इक्वल्स टू 3, 3 उस प्लेस पर आसान होगा जिसका नेम स्टार 104, स्टार 104 का करंट वैल्यू क्या है 30, नाउ 30 इज रिप्लेस्ड बाई 3। नेक्स्ट वन डिस्प्ले क्या करा है वैल्यू ऑफ A0 में क्या फाइंड हो रहा है 1, वैल्यू ऑफ A1 में वैल्यू क्या स्टोर है 2, वैल्यू ऑफ A2 में वैल्यू क्या फाइंड हो रहा है 3। फाइनली इस केस में रिजल्ट का डिस्प्ले होगा 1 2 3। दिस इज द बिहेवियर ऑफ पॉइंटर एक्सप्रेशंस।